हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, अभी अपने लिए बना रहे हैं ब्लैक टी और बैठ करके सुकून से पियेंगे। सुबह से मतलब इतनी भागदौड़ हो जाती है लंच बॉक्स प्रिपेयर करने में, दो बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल तक भेजने में। बाकी 50% काम, 50 या 70 कहेंगे, मेरा काम लंच बनाने का रहता है। बाकी सारा बच्चों को नहलाना और फ्रेश कराना, टूथपेस्ट मतलब देना उनको, ब्रश कराना एक तरीके से, और यहाँ तक कि सुबह का ब्रेकफास्ट भी बच्चों को कराना, ये काम हस्बैंड करते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम किया मॉर्निंग में उठ करके, मुझे चाय पीने के लिए ना थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए रहता है। तो बस बच्चों को भेजने के बाद ना सुकून से बैठते हैं और मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में कप, और इस मोबाइल के चक्कर में ना फिर वो आधा घंटा रेस्ट किया एक घंटा बीत जाता है। फिर अचानक से अगर घड़ी पर नज़र पड़ी फिर ये होता है कि हाँ लेट हो रहा है, फिर तो फिर से भागते हैं अपने फिर डेली काम के लिए। तो बस, और आज मैंने मॉर्निंग में बनाए हैं छोले भटूरे जो कि बच्चों को दिए हैं लंच बॉक्स से पैक करके। तो ये है हमारे जो है छोले और भटूरे, मैंने जितने तले थे ना वो सारे मैंने दे दिए, मतलब उतने ही तले थे, क्योंकि भटूरे तल के रखो ना तो फिर वो बाद में खाने लायक नहीं रहते, इसलिए मैंने उतने ही तले थे और उतने बच्चों को दे दिए, और फिर जब अभी खाना रहेगा तो फिर से वो तले जाएंगे। तो बस अभी चलते हैं, अब और भी काम कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं पहले बैठ करके सुकून से। चलो भाई, तो बन गई है हमारी चाय, अब बैठ करके सुकून से पीते हैं चाय। चाय वगैरह हो गई, अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और बनाते हैं भटूरे। आ जाओ, सभी भटूरे बना के खाते हैं। तो भाई ये है हमारे भटूरे जो भी हम लोग खाएंगे, और ये छोले जो कि आप सभी देख ही चुके हैं। तो बस चलते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी जाना है बेटे को स्कूल से लेने के लिए, तो बस हम झटपट 11 नंबर की सवारी से भाग रहे हैं। हम लोग कभी कभी कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों के लिए यूनिक है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया रात में डिनर करने के बाद वॉक करने का। वॉक करने के लिए हम सभी लोग निकल चुके हैं, वो भी बारिश हो रही है और थोड़ी हल्की फुल्की, और इसलिए हम लोग ने अम्ब्रेला अपना बंद कर लिया और अब नहीं भीगते हुए चलते। तो बस हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी बारिश में हम लोग जो है चलते चलते हम हाईवे पे कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चला। ये बार है रेस्टोरेंट बार, बट यहाँ पर बस हम लोग सोचते ही आने का, अभी तक पहुँच नहीं पाए यहाँ पर, देखो कभी आते हैं। तो ये हम लोग चलते चलते आ गए हाईवे पे, इससे हम लोगों ने ना आज जो हैवी खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली रात के टाइम में खा लिए भटूरे, और फिर अब भटूरों को तो पचा करके ही सोना है ना, जिस वजह से फिर हम लोग जो है वॉक पे लंबा निकल गए हैं। अम्ब्रेला राघव ने नहीं लिया और हम लोग भीगते भीगते चल रहे हैं। तो अभी फटाक से मारा है यू टर्न, क्योंकि ना बातें करते करते अचानक से मतलब ध्यान आया कि हम लोग तो बहुत ही आगे निकल आए हैं, चलते चलते घर को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। फिर अभी ना रात का टाइम था और इतना लंबा पैदल आगे तक जाना सेफ भी नहीं था, तो हम लोगों को जैसे ही याद आता है हम लोग लेते हैं यू टर्न और वापस हो लेते हैं घर की तरफ। तो अभी देखो रात में गाड़ियों की चकाचौंध जो है ना वो देखने में बड़ी ही अच्छी लगती है, हाईवे एकदम मस्त लगता है। अगर इसी के किनारे आप बैठना चाहो ना तो घंटों बैठ भी सकते हो। के बाद हम लोग काफी दूर जाने के बाद हम लोग फिर से वापस हो रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगा कि बात करते करते हम लोग बहुत आगे ना निकल जाए, घर को बहुत पीछे ना छोड़ दें, इस वजह से हम लोग जब याद आया कि वापस लौटना है तो हम लोग फिर से टर्न हो गए। तो रास्ते में रुक करके ना इन लोगों की चालू हो गई थी मस्तियाँ। सो फ्रेंड, हम लोग जो है वॉक कर करके आ गए वापस, ना ज़्यादा चल लिए कि अब होने लगा है पैरों में थोड़ा सा दर्द, क्योंकि बात करते करते ऐसे निकल गए थे, थोड़ा काफ़ी आगे निकल गए थे। फिर अचानक से हम लोगों को याद आया कि अरे हम लोग तो काफ़ी आगे निकल आए हैं, वहीं से हम लोग ना एकदम तगड़ा वाला यू टर्न मारे और फिर आ गए वापस घर की तरफ। तो बस अभी रात हो गई है जैसा कि आप सभी को पता है, और अब हो गया है सोने का वक्त, जल्दी सुलाएंगे बच्चों को क्योंकि तब बच्चे जल्दी उठेंगे। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करें, और ज़रा सा भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।